नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं नाज कुरैशी। आज हम बात करेंगे बालाघाट के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश के सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। आज 8 जून को भारत सरकार के आदेश अनुसार देश के सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस तरह आज हजरत हक्कू शाह बाबा दरगाह में चिराग रोशन कर कोरोना वायरस की बीमारी के खात्मे के लिए और जितने भी लोग इस बीमारी के गिरफ्त में हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देश में अमन चैन व भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दरगाह के खादिम शकील अहमद कादरी, सागिर अहमद कादरी, रजा भाई, रज्जाक भाई, अयाज खान, मोमिन खान, इमरान खान, प्रज्वल चौरसिया, आकाश अमोल, मतीन खान, साजिद खान आदि लोग बाबा के चाहने वाले मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी इमरान खान द्वारा दी गई। इमरान खान, इमरान जी बताइए, आज से सारे धार्मिक स्थल खुले गए, शासन ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है? जैसा कि वैश्विक कोरोना महामारी कोरोना वायरस के चलते काफ़ी दिनों से आम लोगों के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था और आज से ही सारे धार्मिक स्थलों को खोला गया है और हजरत हक्कू शाह बाबा दरगाह जो बालाघाट में कौमी एकता के लिए जानी जाती है और यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं, उनकी सभी की आस्था जुड़ी हुई है, इसी को देखते हुए आज से इस दरबार को आम लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, सभी लोगों के लिए। और आज यहाँ सबसे पहले दिए जलाकर हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह पर कोरोना वायरस की बीमारी के खात्मे के लिए दुआ की गई है और इसमें जितने भी लोग मुब्तला उनको सभी की शिफा के लिए दुआ की गई है और हमारे देश में अमन भाईचारा हमेशा बना रहे इसके लिए भी दुआ की गई है। इसमें सारे धर्म के सभी लोग हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं। हक्कू शाह बाबा दरबार कमेटी के। क्या नाम आपका? इमरान खान।